हाय, वेलकम टू बोलेना, रियल पीपल, रियल लोकेशंस, रियल इश्यूज। आज हम बोलेना में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाय, 5 मिनट हैं आपके पास? सी, हमारा शो का नाम है बोलेना और हम स्ट्रीट्स पे जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, आम टॉपिक्स पे, आम लोगों से। जी। आज जिसके लिए आपको मैंने रोका, आपके कमेंट के लिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं पहले भी इस सेगमेंट में तीन चार बार मैं ले चुका हूँ, आज फिर ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आ ही जाता है। बट मैं खाली आपको बस इतना आगाह कर दूँ कि जो मैं टॉपिक बोलने वाला हूँ, आई डू नॉट नो वे यू इंक्लाइन, ये सोशल टॉपिक है, इसे पॉलिटिकल नहीं है, तो प्लीज़ सोच समझ के जवाब दीजिए। हमें ऐसा कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जी। तो वो टॉपिक है महंगाई। आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? नहीं, महंगाई तो देखिए हो ही गया है और लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, अखबारों में भी आते रहता है, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, साग सब्जी महंगी हो गई हैं, स्कूल की फ़ीस महंगी हो गई है, तो महंगाई तो हो ही गई है। तो उसके लिए तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हर सरकार में महंगाई बढ़ती है, इंसान को अपनी कमाई पर ध्यान देना चाहिए, है ना, और इतना बड़ा देश चलाना है तो थोड़ा सा, 130 करोड़ की आबादी है सर हमारी, तो थोड़ा सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा सा तो करना पड़ता है। आपको लगता है कि ये जो 130 की, एक तो 130 करोड़ की आबादी है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है इसके लिए? नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि पॉपुलेशन का इससे कुछ लेना देना है। अच्छा, पॉपुलेशन तो ठीक है, पॉपुलेशन है, जो बच्चे हो रहे हैं आप उनको स्किल दीजिए, आप उनको नॉलेज दीजिए, उनको अच्छे स्कूल में एजुकेशन दीजिए, तो रोजगार का अवसर दीजिए, तो वो चीज़ें उससे सॉल्व हो जाएगी, उसका अलग उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो स्किल देना चाहिए। हाँ, इंटरेस्टिंग, स्किल देना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जगह पे उसको अपना स्ट्रेंथ बनाएं, और स्ट्रेंथ बना है ही स्ट्रेंथ, 130 करोड़ की आबादी हमारी स्ट्रेंथ ही तो है सर, और क्या है। ओके, आई गेट इट, उसी को आप कम करने के लिए बात बोल रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल। ओके, सो यू सीम लाइक अ वेरी स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, आप क्या काम करते हैं? नहीं, ऐसे मैं तो कुछ काम नहीं करता सर। नहीं, कुछ काम नहीं करता मतलब? मतलब ऐसे कोई काम अभी लगा नहीं है। नहीं सर। हाँ सर। अच्छा, इकलौते हैं? नहीं सर, मेरे से छोटे जो चार हैं ना, वो तो अभी स्कूल जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, अभी करियर ओरिएंटेड हुए नहीं। पापा के पास में जो बड़े भैया हैं वो साथ में रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। मेरे से जो बड़ी बहन और मेरे से जो छोटा वाला भाई है ना, ये हम तीन लोग जो मिलकर, आप लोग कितने भाई बहन हैं? ये हम लोग 8 भाई बहन हैं और 4 पढ़ते हैं, पार्टी करते हैं, काम, 8ों में से काम कौन करता है? नहीं नहीं, ऐसे जॉब बोल के तो कोई अभी कुछ नहीं कर रहा सर, तो 4 तो छोटे हैं सर। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं कुछ बोलूँगा, प्लीज़ गुस्सा ना होइएगा। जी, आपने बताया आप लोग 8 भाई बहन हैं। जी जी, काम, एक रेगुलर जॉब किसी के पास नहीं है, एंड फर्स्टली पॉपुलेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एंड महंगाई ऑल्सो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जी, तो ये आपका गुजारा चलता कैसे वहाँ पे? नहीं तो पापा है ना सर, पापा कमाते हैं। हाँ। पापा क्या करते हैं? जी, पापा NCB में हैं।